बजरंगबली की बंदर सेना। हनुमान जयंती का दिन था। गट्टू चिंकी और उनकी सोसाइटी के सारे दोस्त दादी के पास बैठे थे। दादी हनुमान जी की लीलाएं सुना रही थी और सारे बच्चे आनंद ले रहे थे। दादी बताओ ना, आगे क्या हुआ? आगे? अरे आगे क्या नहीं हुआ, माता अंजनी की गोद में बैठे बालक बजरंगबली ने जैसे ही सूर्य को देखा, सूर्य का तेजस्वी गोला उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्हें लगा कि सूर्य कोई खाने की चीज या फिर कोई फल है और उसे खाना चाहिए। फिर क्या, बजरंग बली माता की गोद से सीधे आसमान में कूद पड़े और सूर्य की तरफ उड़ने लगे। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा होकर भी वो उड़ सकते थे? छोटा बच्चा नहीं, साक्षात भगवान शिव का अवतार थे हनुमान जी। वो कुछ भी कर सकते थे, उड़ सकते थे, किसी के साथ भी लड़ सकते थे। काफी शक्तिशाली और महापराक्रमी थे। प्रभु श्री राम के साथ मिलकर उन्होंने रावण के काफी असुरों का विनाश किया और माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करने में प्रभु की मदद की। दादी ये सब हमें पता है, लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण देखी है। हमें तो बस वो सूर्य को निगलने वाली कहानी अच्छी लगती है। और वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर लाने वाली कहानी भी, हाँ वो भी पसंद है। लेकिन दादी हमें सिर्फ ये सूर्य को निगलने वाली कहानी सुनाओ। बालक बजरंगबली सूर्य की दिशा में कूद पड़े, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, बालक बजरंगबली तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवों को चिंता होने लगी कि अगर इस बालक ने सूर्य को निगल लिया तो धरती का क्या होगा? पूरी धरती घोर अंधकार में डूब जाएगी और सारी जीव सृष्टि खतरे में आ जाएगी। फिर क्या, सारे देवताओं ने देवराज इंद्र को ये बात बताई और देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि इस बालक को कैसे रोका जाए। माता अंजनी भी चिंतित थी कि अब मेरे लाल का क्या होगा। और बालक बजरंगबली, वो तो उधर सूर्य के पास पहुंच चुके थे, सूर्य को पकड़कर निगलने की तैयारी में थे। तभी देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनकी ओर छोड़ दिया। वज्र? ये क्या होता है? वज्र देवराज इंद्र का हथियार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, ठीक वैसे ही देवराज का वज्र था। तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर छोड़ा, फिर क्या हुआ? वज्र छोड़ा तो वज्र उड़ते उड़ते बालक बजरंगबली के पास गया और उसने बजरंगबली पर आघात किया। जैसे ही वज्र का आघात हुआ, बजरंगबली मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। फिर देवराज इंद्र आए, बजरंगबली को उठाया और धरती पर माता अंजनी के पास आकर बालक बजरंगबली को अंजनी माता की गोद में रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, बालक बजरंगबली मिलने की वजह से माता अंजनी खुश थी, सूर्य सुरक्षित होने की वजह से देवराज खुश थे। फिर क्या, उन्होंने हाथ जोड़कर माता अंजनी से क्षमा मांगी और धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े और कहानी खत्म। वाह दादी, मजा आ गया। मजा आया ना, अब तुम खेलो, मैं आराम करती हूँ। हाँ हाँ चलो रे, वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये सुनकर दादी नाराज हो गई। अरे वाह, बालक बजरंगबली की बंदर सेना,
क्या हर वक्त बस वीडियो गेम्स खेलते रहते हो दिन भर? आज हनुमान जयंती है, तुम्हें हनुमान जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है ना? तो जाओ बाहर मैदान में खेलो। हनुमान जी तुम्हारी तरह वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग थे, पता है? ये सुनकर गट्टू बोला, हाँ दादी, हमें भी बजरंगबली की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम अभी नीचे जाकर मैदान में खेलते हैं। ए, चलो रे। ऐसा कहकर बंदर सेना भागते भागते बाहर गई और दादी भी अपने कमरे की तरफ निकल पड़ी। बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में परेशान होकर सोच रहे थे कि अब क्या खेला जाए। हॉकी खेले? नहीं यार, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी की तरह ही कुछ साहसी खेल खेलते हैं। तो फिर रामायण रामायण खेलते हैं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम रामायण की तरह युद्ध करेंगे। आधे लोग प्रभु श्री राम की सेना और आधे लोग रावण की सेना बनकर गदा युद्ध खेलेंगे। लेकिन हमारे पास गदा तो है ही नहीं। गदा नहीं तो क्या हुआ? हॉकी स्टिक है ना? हॉकी स्टिक को ही गदा बनाते हैं। हाँ, बजरंगबली गदा युद्ध करते थे, हम हॉकी युद्ध करेंगे। लेकिन इस हॉकी युद्ध से अपने प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि हमें रामलीला की तरह युद्ध की बस एक्टिंग करनी है, सच में युद्ध नहीं करना। हाँ हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई भी जख्मी नहीं होना चाहिए। फिर क्या, बच्चों ने हॉकी स्टिक उठाई और हॉकी युद्ध शुरू हुआ। आक्रमण आक्रमण। हॉकी स्टिक एक दूसरे पर बरसने लगी और सब बच्चे खुद को वीर बजरंगबली समझकर युद्ध का नाटक करते हुए युद्ध में खो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।